आज होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। नमस्कार दोस्तों, हमारे साहस होम्योपैथिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद्र पांडे होम्योपैथिक पद्धति से होम्योपैथिक विधि से समस्याओं का समाधान बताने के लिए प्रस्तुत हूँ। जो आज का टॉपिक है पेट फूल जाना, गैस्ट्राइटिस होना, गैस्ट्राइटिस की वजह से अपना पेट फूल जाना, पेट फूलने पर दवाई बताने जा रहा हूँ। अगर पेट फूलता है तला भुना, एक तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ बताऊँगा कि तला भुना खाना न खाएँ, खूब पानी पिएँ, पूरी पराठे और फास्ट फूड जंक फूड का सेवन कम से कम करें, और साथ में अगर पेट फूल रहा है तो थोड़े बहुत होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूँ उसका सेवन करेंगे, और साथ में पानी खूब पियेंगे, और साथ में फल सब्जियाँ की मात्रा ज़्यादा ज़्यादा खाएँगे तो आपका जो पेट फूलने की समस्या है, बार बार पेट फूलने की समस्या होती है, तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। चलिए बिना देरी करे, बिना रुके हुए मेडिसिन बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से विनती करूंगा कि जो भी लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी तरह से हमारे नए नए वीडियो आते रहते हैं होम्योपैथिक के ऊपर, और साथ में वीडियो अच्छा लगने पर लाइक का बटन जरूर दबाएँ, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों को व्हाट्सअप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बहुत बातें होगी, अब दवाई नोट करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है नक्सोगमी का 30 पावर में। नक्सोगमी का 30 पावर में 2 बूंदें सवेरे, 2 बूंदें दिन में, 2 बूंदें शाम को ले ली। इस तरह से अगली मेडिसिन है नेट्रम्फॉस। नेट्रम्फॉस की 4 गोली सवेरे दिन में शाम को लेंगे तो बहुत से रिजल्ट दिखाई देंगे। साथ में WS की बिल्वर स्वाबे जर्मन की आती है, कारोवेक पेंटागन करके, PTK 22 इसका सेवन करेंगे 15 से 20 बूंद। खाना खाने से पहले तो पूर्ण रूप से जो अफरा हो रहा है, पेट फूलने की समस्या हो रही है, वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। नई वीडियो के साथ में कल फिर मिलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।